मैंने आज तक काफी स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, और जब भी मैं स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाता हूं तो मेरी ऑडियंस को बेहद ज्यादा पसंद आते हैं। ढेर सारी कमेंट्स ऐसी भी आती है जहां पर वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं मैं किसी और स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक को भी कवर करूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए, सारे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में एक साथ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जिस भी कंपनी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए व्यूअर्स के लिए, इस स्टॉक में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है या जो सर्कमस्टेंसेस है स्टॉक के लिए वो थोड़े सुधरते जा रहे हैं, उसके फेवर में आ सकते हैं, तो मैं उसे जरूर कवर कर लेता हूं। और उसी के बेसिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। मैं आपको 360 डिग्री व्यू दूंगा स्टॉक का, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा, लेकिन पूरे डिटेल्ड फैक्ट्स के साथ अपने ओपिनियन को शामिल करते हुए पूरी जानकारी आप तक शामिल करा दूंगा इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। और करीब एक महीने पहले इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था, और भी एक ऑर्डर मिला था जो मैंने 2 अगस्त को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, जिसके चलते हुए कंपनी काफी चर्चा में रही है। अब IRB इंफ्रा के एक बार स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। 2008 में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO आया 185 रुपए पे, ऑल टाइम हाई 300 रुपए का 2010 में इस कंपनी ने लगा लिया, यानी कि 62% का ROI। लाइफ टाइम लो की बात करें, हाल ही में इसी साल 46 रुपए का रहा 2020 में, यानी कि 75% का नेगेटिव ROI। CAGR की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब ROI की बात कर रहा हूँ, आपकी वेल्थ कितनी डिस्ट्रॉय हुई इसकी परसेंटेज। लाइफ टाइम लो से लेकर अगर अब की प्राइस देखे तो वहां पर 161% का ROI मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी जिनको लगता है कि IRB इंफ्रा ने हमेशा नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने दिए हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ ली और एग्जिट कहाँ ली, तो हम ये देख सकते हैं कि इस स्टॉक के प्राइस में कितनी भयंकर वोलेटिलिटी रही। इस वीडियो के अंत तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसी चीजें जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा हूं कि इस कंपनी की आखिर खूबियां कौन सी मुझे लगी। तो ये वीडियो होने वाला है पूरी तरह से पावर पैक्ड फैक्ट और ओपिनियन के साथ, और जैसे मैंने आपसे वादा किया शुरुआत में ही कि यहां पर हम शेयर करेंगे पूरा 360 डिग्री व्यू IRB इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के स्टॉक में, तो आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के जो पिछले 12 महीने रहे हैं वो कैसे रहे। टोल ऑपरेट ट्रांसफर का जो ये पार्ट है इस कंपनी का, उसी के अंदर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो है IRB इंफ्रा का, दोबारा IRB इंफ्रा को ही मैनेज करने के लिए मिला है अगले करीबन 10 सालों के लिए। इस कंपनी का असेट बेस हो चुका है 450 बिलियन का। रोड्स और हाईवे के कैटेगरी में अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। टोल ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर 12,600 लेन किलोमीटर्स का पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसके नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ बेसिक नंबर्स नहीं शेयर करने वाला हूँ, सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसी के साथ मैं कंपेयर करूंगा Q4 FY20 को Q4 FY19 के साथ, फाइनेंशियल ईयर 2019 को फाइनेंशियल ईयर 2020 के साथ, और पिछला क्वार्टर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 को जनवरी फरवरी मार्च 2020 के साथ कवर करेंगे, ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पता चल सके कि कंपनी के आखिर नंबर्स किस तरीके से रिपोर्ट हुए। अब पहली कंपैरिजन लेते हैं Q4 FY20 की और Q4 FY19 की। यहाँ पर आप जो हेडर्स पर देख रहे हो वो है सेगमेंट कैटेगरी। एक सेगमेंट इस कंपनी का मैंने लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, और एक सेगमेंट मैंने लिया हुआ है BOT सेगमेंट। BOT का मतलब होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। अब ये जो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारे मिलियंस में, जिसका मतलब है अगर हम टोटल इनकम को रिफर करें तो ये 1,600 के करीब है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में अगर हम टोटल इनकम को रिफर करते हैं तो वहाँ पर करीबन 12.5% की गिरावट है, और अगर BOT सेगमेंट को रिफर कर रहे हैं तो वहाँ पर 32% की गिरावट है। दूसरा की हाईलाइट जो मैं देखता हूँ प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो BOT के अंदर 163% का नेगेटिव नंबर्स रिपोर्ट किया है कंपनी ने, वहीं पर 52.5% का पॉजिटिव नंबर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, Q4 FY20 में BOT सेगमेंट के अंदर कंपनी ने जो ये लॉस रिपोर्ट किया है उसके कंपेयर में अगर आप देखोगे Q4 FY20 में जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में, तो ये अमाउंट देखिए परसेंटेज वाइज आप देखोगे, अरे 163% से ज़्यादा का नेगेटिव नंबर रिपोर्ट किया है प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप अमाउंट में देखते हो तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर डिफरेंस है, जो कि 4.5 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देख रहा है कि कंपनी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर इस पर्टिकुलर कंपैरिजन की बात करें। बढ़ते हैं अगले कंपैरिजन की तरफ, जो है FY20 और FY19 के बीच। अब पहले वही टोटल इनकम की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 2% के पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम ब्योट यानी कि बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर -16% नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, वहीं पर कंस्ट्रक्शन में 10% पॉजिटिव नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। लेकिन अब आप इसके भी डिफरेंस को देखिएगा, यहाँ पर जब आप डिफरेंस देखोगे तो अमाउंट जो रुपीस में हम देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर को। अब यहाँ पर अगर आप बोट सेगमेंट में देखोगे तो -129% का रिपोर्ट किया हुआ है कंपनी ने, वहीं पर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 56.5% का पॉजिटिव रिपोर्ट किया हुआ है। ओवरऑल 15% का नेगेटिव रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर्स जो आप देखोगे, जो लॉस कंपनी ने बोट सेगमेंट के अंदर रिपोर्ट किया है कंपेयर में जो प्रॉफिट में नंबर्स में रिपोर्ट किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि कंपनी को कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम बोट सेगमेंट के कंपैरिजन की बात करें। अगले कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इनकम की बात करें तो 8.5% के नेगेटिव नंबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 11% के नेगेटिव नंबर्स हैं, और बोट सेगमेंट की बात करें तो मार्जिनली नेगेटिव परसेंटेज है। यहाँ पर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 3.5% के नेगेटिव नंबर्स हैं, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 5.5% के नेगेटिव नंबर्स रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर, और 12% से ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स रिपोर्ट किए कंपनी ने बोट सेगमेंट के अंदर। तो इस कंपैरिजन में हमने देखा कि कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस कंपनी टू बोट सेगमेंट के। अब इतने ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स रिपोर्ट किए हैं तो आखिर हम इस कंपनी की चर्चा करी क्यों रहे। देखिए, इसमें हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि COVID-19 का भी इम्पैक्ट हुआ था इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे। लेकिन यहाँ पर जो अभी आगे आने वाली सिचुएशन है उसको अगर हम देख रहे हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक में हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, एक उसके हिस्टोरिकल नंबर्स को, हिस्टोरिकल पैटर्न को, दूसरा उसमें कितना ज़्यादा आगे पोटेंशियल है उस टाइप के जो बिजनेस में, कितना आगे ज़्यादा स्कोप है, तो इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार प्राइस, डिलीवरीज, डिविडेंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो एक बार इसके प्राइस पर ध्यान दे देते हैं। ये देखिए, एक महीने का जो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ₹126 का एक पीक बनाया हुआ है इस कंपनी ने। तीन महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक इंक्रीमेंटल ट्रेंड दिख रहा है क्लियरली इस कंपनी के प्राइस में। छः महीने की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो मोड़ था यहाँ पर, इससे करीबन लाइफ टाइम लो मारा हुआ था, तो ये वही एक आप देख पा रहे हो जो कि डाउन ट्रेंड है। उसके बाद कंटिन्यूसली इस कंपनी ने अच्छा ट्रेंड दिखाया हुआ है। एक साल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 120 का जो ये एरिया है इसका, इसको इसने तोड़ दिया है। अगर हम यहाँ पर एक बार नज़र डालें तो ये जो 115-120 का ये जो रेंज था वो जनवरी का था, जिसके बाद कंपनी में गिरावट हुई थी, और इसी से अब कंपनी वापस रिकवर हुई है और हम देख पा रहे हैं दोबारा इसने जो है वो 120 को क्रॉस कर 125 तलक भी पहुंचा हुआ था इसका प्राइस। यही अगर दो साल में देखें तो हमें दिख रहा है कि ₹180 तलक की जो रेंज है वहां तक इस कंपनी ने टच किया था अपने प्राइस को। पाँच सालों की बात करें तो यहां से डबल प्राइस, यहां करीबन 270, डबल से भी ज़्यादा का जो प्राइस है वहाँ से कंपनी टच हो गया। ये ₹280 का प्राइस भी हम देख पा रहे हैं 11 अप्रैल 2018 को, तो ये प्राइस कंपनी ने दिया हुआ है। डिलीवरीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डिलीवरीज़ भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे परसेंटेज में आपको डिलीवरीज़ दिख जाएंगी। अगर आप रिसेंट कुछ दिनों का देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि डिलीवरीज़ की परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ वो है इसका डिविडेंड। जी हाँ, अभी ही हाल ही में ₹5 पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है, और अभी का भाव जो चालू है इसका वो ₹119 का है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है आज के रेट में, उससे तो कहीं ज़्यादा ही आपको मिल जाता है। करीबन 4.25% का डिविडेंड यील्ड जो है वो ये कंपनी का स्टॉक रखता है, और ऐसा नहीं इक्का दुक्का बार ही इसने डिविडेंड दिया हो। आप देख सकते हो कितनी बार इसने डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता ही आ रहा है। 19 में नहीं मिला था, हालांकि 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 2014, 2013, 2012, 2011, हर साल आप देखोगे जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसने हमेशा डिविडेंड दिया है। टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये जो लेवल्स हैं, अभी मैं यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करूँगा,
तो यहाँ पर जो 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है वो 121 रुपये था, उससे अब ये नीचे है। 20 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से भी ये नीचे है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है 200 दिनों का मूविंग एवरेज उससे ये ऊपर है, 100 दिनों का मूविंग एवरेज उससे भी ऊपर है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज उससे भी ये ऊपर है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपको तभी ही स्टॉक में पैसे डालने, आप ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही प्राइस पर एंट्री कर सकते हो। मेरा काम है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना और उसके बाद जो डिसीशन है वो हमेशा की तरह आपका ही होता है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रमोटर्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स माल बेच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके 10 बड़े शेयर होल्डर्स के बारे में तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन अब आ रही है आपके स्क्रीन के सामने, जहाँ पर आप क्लियरली देख सक रहे हो कि कौन से ये 10 बड़े शेयर होल्डर हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब एक बार 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी ध्यान दे देते हैं जिसके वजह से मैंने इस कंपनी को इस YouTube चैनल पर कवर किया और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया। पहला, इस सरकार का इस समय जो पूरा फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, जिसका सीधा प्रभाव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होना ही है। दूसरा, अब जैसे ही अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर लौट रही है, यानी कि सब कुछ अनलॉक हो रहा है, वहां पर लोगों के पास एकमात्र जो सहारा है वो रोड ट्रांसपोर्ट का है। वहां पर लोग अपनी ही व्हीकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो रोड के जरिए सबसे ज्यादा हो रही है, जिसके वजह से जाहिर सी बात है कि टोल कलेक्शन भी ज़्यादा होने की संभावना है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी पर आ सकता है। तीसरा, डिविडेंड यील्ड को अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आराम से आपके सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को बीट करने में पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि 4% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। और मैं इक्का दुक्का डिविडेंड को यहाँ पर रिफर नहीं कर रहा हूँ, पूरे 21 बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है जब से इस कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है। तो देखिए, अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर एक स्मॉल कैप कंपनी ढूंढ रहे हो तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक कर सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। आपके कुछ सुझाव हैं, आपके अपने कुछ व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर उनको मेंशन कीजिए। और हाल ही में अगस्त मंथ का स्टॉक टॉक का वीडियो आ चुका है मेंबर्स के लिए, तो अगर आप मेंबर हो और आपसे वो वीडियो मिस हुआ है तो आप ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट में जाइए मेरे YouTube चैनल के, वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि बताई गई इन्फॉर्मेशन में दम है और आगे शेयर करना चाहिए तो बेझिझक शेयर बटन को दबाकर वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।